मित्रों एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। प्रजनन जैसा कि ये रिप्रोडक्शन है, री का मतलब होता है पुनः, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। एक बार जो वस्तु उत्पादित हो चुकी हो वो वस्तु भी यदि उत्पादन करने की क्षमता रखती है तो उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। देखेंगे पॉइंट वाइज इसको, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव मल्ली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ईच एंड एवरी, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म जो जीव है वो कैन लाइव जीवित रह सकता है ओनली फॉर सर्टेन पीरियड, एक निश्चित समय तक। प्रत्येक जीव एक निश्चित समय तक जीवित रह सकता है और इसी समय को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पॉन। जीवन अवधि द पीरियड ऑफ बर्थ टू द नेचुरल डेथ। Except single cell organism, no individual, कोई भी जीव is immortal, अमर नहीं है।
भी जीव अमर नहीं है, सभी जीवों का जन्म होता है और उनकी मृत्यु होती है। अगला पॉइंट देखेंगे रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। रिप्रोडक्शन प्रजनन इज डिफाइंड एज, प्रजनन को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, ए बायोलॉजिकल प्रोसेस एक जैव वैज्ञानिक क्रिया इन विच जिसमें एन ऑर्गेनिज्म एक जीव गिव राइज पैदा करता है ए यंग वंश एक छोटा जीव जिसको आप स्प्रिंग या संतति कहते हैं सिमिलर टू इट सेल्फ जो अपने समान होता है। इस प्रकार हम रिप्रोडक्शन को परिभाषित कर सकते हैं कि अपने समान संतान पैदा करने की क्रिया को जनन कहते हैं या प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे आप स्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इंटर प्रोड्यूस न्यू आर ऑफ स्प्रिंग। Thus, there is a cycle growth, birth, growth and death. इस प्रकार हम कह सकते हैं तो आप स्प्रिंग जो संतति है वो ग्रो करेगी, पैदा होगी, मैच्योर होगी, परिपक्व होगी और जब उसका टर्न आएगा प्रोड्यूस न्यू आप स्प्रिंग वो नई संतति को जन्म देगी और इस प्रकार एक चक्र बनता है किसका, जन्म का, वृद्धि का और मृत्यु का। अगला पॉइंट है रिप्रोडक्शन इनेबल
द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो प्रजनन है ये सक्षम होता है कंटिन्यूटी निरंतरता ऑफ द स्पीसीज जातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो सक्षम है प्रजनन सक्षम है जनरेशन आफ्टर जनरेशन किसी भी जाति की निरंतरता को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने की जो प्रक्रिया है या क्षमता है उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म वाज इन्वॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग दियर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी कहते हैं विविधता को इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड जीव वैज्ञानिक संसार में बहुत बड़ी विविधता है और प्रत्येक जीव ईच ऑर्गेनिज्म वाज इन्वॉल्व प्रत्येक जीव शामिल होता है इट्स ओन मैकेनिज्म उसका अपना तरीका होता है टू मल्टीप्लाई द्विगुणन करने की एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग और संतति निर्माण की जो जीव विज्ञानीय संसार है उसमें प्रत्येक जीव जो है शामिल होता है और उसका अपना तरीका होता है अपनी संख्या का द्विगुणन करने का या अपनी संतति का निर्माण करने का। अगला पॉइंट है द ऑर्गेनिज्म्स हैबिटेट इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स
आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट। जीव का वास या स्वभाव, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, उसकी आंतरिक क्रियाएं एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, और कुछ अन्य कारक है जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस, कि वो कैसा तरीका रिप्रोडक्शन का अपनाता है। अगला पॉइंट है, जीवों में जन्म का कारण क्या है, रीजन क्या है। कारण क्या है रिप्रोडक्शन का, या रिप्रोडक्शन में क्या होता है। पहला पॉइंट है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड केमिकल्स, अगला है इंक्रीजिंग ऑफ सेल नंबर, अगला है सेल डिवीजन, अगला है फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगला है कंटिन्यूटी एंड एक्सिस्टेंस, क्या कारण है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का द्विगुणन होता है, डीएनए की मात्रा बढ़ती है। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए एंड केमिकल्स, आरएनए और अन्य रसायनों का निर्माण होता है। इंक्रीजिंग ऑफ सेल नंबर्स, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन होता है। फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये जो प्रजनन अंग है उनका निर्माण होता है। कंटिन्यूटी, निरंतरता बनी रहती है, और एक्सिस्टेंस, अस्तित्व बना रहता है, जीवों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और निरंतरता को बनाए रखने का कारण ही है कि रिप्रोडक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की या प्रजनन की विधियां। पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन वेदर
देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म आर टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। कह रहे क्या कि ये जीवों के सम्मिलित होने का वो प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित होने का कि एक ऑर्गेनिज्म एक जीव सम्मिलित है आर टू रिप्रोडक्शन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन प्रजनन की प्रक्रिया में एक ऑर्गेनिज्म है या टू ऑर्गेनिज्म है ये आधार बनता है प्रजनन के मेथड का या प्रजनन के तरीका का या विधियां, जिसको आपने कहा कि प्रजनन की जो विधियां है उसका मेन आधार है कि प्रजनन में एक जीव भाग ले रहा है या दो जीव भाग ले रहे हैं। तो पहला देखेंगे होए ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाई ए सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। The reproduction is asexual. When offspring, जब संतति is produced, जब संतति पैदा होती है by इन्वायरमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन युग्मक के निर्माण के साथ या बिना युग्मक के ही एक जीव से एक अकेले जीव से यदि ऑफस्प्रिंग संतति का निर्माण होता है तो द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की परिभाषा क्या हुई कि जब संतति का निर्माण किसी एकल जीव से हो चाहे वो गैमेट फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण के बिना हो या युग्मक निर्माण के सहित हो तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या अलैंगिक जनन कहते हैं। अगला पॉइंट है व्हेन टू पेरेंट अपोजिट सेक्स
पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट मेल एंड फीमेल इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. When two parents, जब दो जीव अपोजिट सेक्स विपरीत लिंगी, जब दो विपरीत लिंगी जीव पार्टिसिपेट शामिल हो रहे हो इन रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जनन की प्रक्रिया में एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमेट और युग्मकों का संलयन हो रहा हो, युग्मक जुड़ रहे हो एक मेल और एक फीमेल, दोनों युग्मक का फ्यूजन हो रहा हो, मिलन हो रहा हो, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तब इसको हम लैंगिक जनन कहते हैं. कहने का तात्पर्य है कि जब दो विपरीत लिंग वाले जीव किसी प्रजनन प्रक्रिया में शामिल होते हैं और मेल नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन के परिणाम स्वरूप किसी संतति का जन्म होता है, तो ऐसे प्रजनन को हम लैंगिक प्रजनन कहते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसका पहला हमने पढ़ रखा है अलैंगिक जनन, जिसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तब तक के लिए धन्यवाद.